दीपिका पादुकोण के बाद JNU हिंसा पर अजय देवगन ने कही सही और सटीक बात। नमस्कार, मंगलवार रात को JNU के छात्रों के प्रदर्शन के बीच खड़ी नजर आई दीपिका पादुकोण बुधवार सुबह से ही सुर्खियों में आ गई। JNU हिंसा के विरोध में हो रहे इस प्रदर्शन में दीपिका के पहुंचने को लेकर जहां कई लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं उनकी फिल्म छपाक को बायकॉट करने की मुहिम तक चलाई जा रही है। अब बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने भी JNU हिंसा पर अपना कमेंट दिया है। अजय देवगन ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है और JNU पर हुआ हमला बहुत दुखद है। न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के अनुसार अजय देवगन ने कहा कि रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है इसके बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि खबरों के मुताबिक विरोधी बातें सामने आ रही। अजय ने आगे कहा, मैं सुबह से खबर देख रहा हूं, ये बहुत विरोधाभासी है। अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि किसने क्या किया, इसलिए जब तक ये साफ नहीं है मुझे नहीं पता कि इस पर टिप्पणी कैसे करूं। जो कुछ भी हो रहा है अब वह अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि जो भी ये कर रहा है गलत कर रहा है, हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है, ये केवल हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके पीछे क्या एजेंडा है अगर आपको पता हो तो कृपया मुझे बताइए, क्योंकि खबरों में जो कुछ भी आ रहा है वह स्पष्ट नहीं है। बता दें कि रविवार को नकाबपोशों की भीड़ ने डंडे और लेकर JNU परिसर के भीतर छात्रों और अध्यापकों पर हमला किया था, जिसमें JNU छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष समेत 35 लोग घायल हो गए। दिल्ली में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंची दीपिका पादुकोण मंगलवार को JNU के बाहर हो रहे प्रदर्शन में पहुंची। इसी के बाद से दीपिका का और उनकी फिल्म का विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ BJP के कुछ नेताओं ने दीपिका का विरोध करते हुए अजय देवगन की फिल्म तानाजी का समर्थन करना शुरू कर दिया। BJP के नेता तेजेंद्र लाल बग्गा ने तानाजी चैलेंज शुरू कर दिया है और इस फिल्म की मुफ्त टिकट देना शुरू कर दिया। बता दें अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसन वॉरियर दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक शुक्रवार को एक साथ रिलीज हो रही है।